आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अवैध खनन का काम करने वालों ने पिछले दिनों थाना खेरागढ़ क्षेत्र में सोनू नाम के सिपाही की हत्या कर दी थी। कई आरोपी पुलिस जेल भेज चुकी है। रवि नाम के इनामी आरोपी को एसटीएफ की टीम ने राजस्थान के जयपुर में जाकर गिरफ्तार किया है। आगरा एसटीएफ ने खनन माफिया रवि उर्फ रविंद्र को गिरफ्तार किया है। रवि उर्फ रविंद्र धौलपुर का रहने वाला है। एसटीएफ ने राजस्थान जयपुर से गिरफ्तार किया है। ऐसा बताया गया है कि रवि उर्फ रविंद्र थाना खेरागढ़ क्षेत्र में हुई सिपाही सोनू की हत्याकांड में बांछी चल रहा था, जिस पर इनाम भी घोषित किया गया था। थाना खेरागढ़ अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें हमारा ही विभाग का एक सोनू नाम का सिपाही था, जिसको खनन माफियाओं द्वारा बहुत ही नृशंस तरीके से उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा के उसकी हत्या कर दी गई थी। ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था। कुल उसमें नामजद और प्रकाश में आए अभियुक्त 12 थे। 12 में से 11 की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। अभी रिसेंटली गब्बर की गिरफ्तारी हुई थी, तकरीबन 10 से 15 दिन पहले। आखिरी अभियुक्त ये बचा हुआ था रवि रविंदर सिंह, पुत्र मोहर सिंह, जनपद धौलपुर राजस्थान का रहने वाला था। काफ़ी दिनों से जनपद आगरा की टीम और एसटीएफ की टीम इसके पीछे पड़ी हुई थी। काफ़ी दिनों से चकमा देते हुए भाग रहा था। कल एसटीएफ आगरा द्वारा इस पे कार्रवाई की गई है। इसको जयपुर से पकड़ा गया है और जयपुर से पकड़ने के बाद इसके संबंध में जानकारी इकट्ठा की गई। कुल इसके ऊपर 4 मुकदमे हैं। 3 मुकदमे 307 के हैं, 1 302 का जो मैंने अभी बताया। इसके अलावा 50,000 का इनामी ये अभियुक्त है। तो एसटीएफ और जनपद आगरा की पुलिस टीम द्वारा काफ़ी बड़ी एक कार्रवाई की गई है और मैं काफ़ी खुश हूँ कि इस टीम ने काफ़ी अच्छी कार्रवाई की है और पूरी टीम प्रशंसा की और बधाई के पात्र हैं। जो रवि की भूमिका है, रवि और गब्बर, ये जो दोनों व्यक्ति हैं ये रेकी का काम करते हैं और इनकेस अगर कहीं पे पुलिस द्वारा अगर खनन की गाड़ियों को अगर कहीं रोका जाता है तो इनका काम ये होता है कि वहाँ पे आके पुलिस को भ्रमित करें, पुलिस को डाइवर्ट करें, ताकि इनकी जो गाड़ियाँ हैं, इनके जो खनन माफिया हैं, जो खनन के में लिप्त जो व्यक्ति हैं, वहाँ से पुलिस को चकमा दे के भाग सकें। दरअसल सिपाही सोनू हत्याकांड में तमाम आरोपियों को पुलिस जेल भेज चुकी है। रविंद्र उर्फ रवि की सरगर्मी के साथ पुलिस को तलाश थी। राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।